जी भी आज भोजपुरी के ही कार्यक्रम के महोत्सव के देखा था, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेहमान लोग के अतिथि खातिर जो परिचर्चा रखल गई ओकर विषय है दंडी स्वामी से आज ले भोजपुरिया कथा कहानी विषय पर आप सबके परिचर्चा यहाँ देखे के मिली, सुने के मिली। तो वही क्रम में हम मंच से आवाज देतानी आनंद पांडे जी के युवाई और नीलाभ श्रीवास्तव जी के अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे के उनके आप स्वागत और सम्मान करें। ये स्वागत और सम्मान स्मृति चिन्ह के साथ एक खातिर कि आप ये कार्यक्रम के हमेशा याद रखा और हम सबके याद रखा वही खातिर ही सम्मान। तो आनंद जी से एक बार निवेदन बा कि नीलाभ श्रीवास्तव जी के अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे के आप स्वागत करें। आनंद पांडे जी, नीलाभ जी का आप स्वागत करता नहीं अंग वस्त्र से और स्मृति चिन्ह से। स्वागत के ही चरण में हम सबके जे मार्गदर्शक बा ई कार्यक्रम जिक्रे निर्देशन में और जिक्रे आशीर्वाद से होता श्री ब्रजेश्वर मणि त्रिपाठी जी से अनुरोध करतनी कि वाई और सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी के अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे के भेंट कर इनका स्वागत करी। चाचा जी से अनुरोध बा हम दिवाकर जी से अनुरोध करते नहीं कि आई और आप सर्वेश तिवारी जी के अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह दे के स्वागत सम्मान करें। आप दिवाकर गुप्त जी स्वागत के चरण में अनुराग जी से अनुरोध बात की आप आए और प्रमोद कुमार तिवारी जी के स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र दे के स्वागत सम्मान करें। मंच के शोभा बढ़ाओ तनी नीलाभ जी, प्रमोद जी, सर्वेश जी, एक बार फिर से आप सबके स्वागत भाई मंच पे और एक कार्यक्रम में मध्यस्थता करत तनी वैभव बड़ी जी आपके हम मंच अब सौंपत तनी आप बातचीत करके और आप एक कार्यक्रम के शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद मधुसूदन भाई। कहानी से संबंधित इस सत्र बात और जब इस सत्र का बात होती है सत्र के शुरुआत में जब इस सत्र की चर्चा होत रहेगी जब सत्र डिसाइड होत रहना यायावरी महोत्सव खाते तो बात होत रहे कि कहानी पर बातचीत कर जाओ और कहानी पर शुरुआत से बात होती तो जब बात बन रहे तब वो समय रहे कि पैनल में विविधता जरूरी बात बातचीत करे वाले लोगों से यायावरी या भोजपुरी के ओर से इतना भैल है और हम के बहुत प्रयास कैले रहने कि पैनल विविधतापूर्ण रहे और आज देखिए आप सबके बीच में बहुत विविधतापूर्ण पैनल बा। प्रमोद भैया के जो एकेडमिक डेप्थ है जो इनके जो अकादमिक रिसर्च है भोजपुरियत के खातिर पुस्तक जो यहाँ के लिखले बानी
वहां से आप देख सकेंगे कि भोजपुरी भाषा के जो पूरा विकास के चरण बा वो किताब लिखला के क्रम में यहाँ के गुजरल बने। दूसर नाम जो हमन के संगे बना सर्वेश तिवारी श्रीमुख, ये आज के दौर के लेखक बना। सर्वेश भाई पूरा नाम लिया था सर्वेश तिवारी श्रीमुख, ऐसे कि फेसबुक में हुए देखला के आदत पड़ गई बा और वह पढ़ला की आदत पड़ गई बा। सर्वेश भाई आज के दौर के लेखक हमन और ब्लॉगिंग और लिखने में जो युवा पीढ़ी बा उनका प्रतिनिधि हम और लगातार लिखा था ना लोगन के बीच में और पसंद कही जाता था। सर्वेश भाई से भी हमन के पूछा जाए कि आज के दौर के भोजपुरी के कहानी पर उनके काम राय बा, उनके का नाम बा। और ये पीछे हमन के संगे तीसरे शख्स भी बना नीलाभ भाई। नीलाभ भाई के परिचय ही है कि यहाँ के नॉटनल नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेबसाइट चला लेनी और ई बुक पढ़े खातिर सुलभ करा लेनी। लगातार पिछला 8-10 साल से यहाँ के धीरे धीरे आज के तारीख में अगर केहू ई बुक पढ़े वाला है तो नॉटनल के नाम से भली भांति परिचित बा। तो स्वागत बा पहले आप सबके आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शुरू कर प्रमोद भी आपसे कि दंडी स्वामी से आज ले भोजपुरी कथा कहानी ये जो विषय बा तो चाहब हम कि भोजपुरी में जो कथा इतिहास है उससे आप हमन के जितना देखे वाले सुने वाले लोग माना ये लोगन के परिचित कराएं कि कैसे भोजपुरी कहानी के विकास भई। सबसे पहले तो गुरु गोरखनाथ जी के धरती के सुमीर के प्रणाम करके ये मंच के प्रणाम करते हैं। हमरा साथे बैठल ये पूरा आयोजन के आकार देवे वाला प्रिय भाई वैभव जी, सर्वेश भाई के हम लगातार पढ़ते रहेंगे फेसबुक पर, खूब लिखी ना धुआंधार लिखी ना और बहुत तार्किक लिखी ना। नीला भाई से बहुत पुरान परिचय बाटे, जो 7-8 साल लिए गए हुए हम देखा था नहीं कि हमारा सोझा जो लोग बैठल बाटे मृत्युंजय भैया से लेके प्रकाश उदय भैया तक अमरनाथ पांडे जी से लेके सब कोई का चेहरा चिन्ह लगा था हमारे का तो विद्यार्थी बदल माना प्रदेशी का। और खास तौर से हम याद कर चाहता नहीं माई बहन लोग के जेकरा कारण भोजपुरी दुनिया को सबसे बड़ लोक भाषा बना। जब हम ये बात कहते हैं तो हम सावधान होके कहते हैं क्योंकि इतना बड़ संख्या वाला लोक भाषा दुनिया में मतलब 50-60 लाख में भाषा मुख्य धारा में आ जाली सन और करोड़ों लोगों के बोलने के बाद अभी एक के लोक भाषा कहा जाता है। तो ये माई बहन लोग के कारण बचल से जौन आज के विषय बाटे वो इतना लंबा बा कि अगर हम सबका नाम गिनावे लगे कहानी किस्सा के बात करे लगे तो रुआ लोग सवेरे से बड़ा धैर्य से यहाँ बैठल बानी सब के ऊपर सुन रहा बानी। हम कोई परीक्षा ना ले बल हम चाह के सर्वेश भाई के सुनी नीलाभ भाई के सुनी दो तीन गो बात जरूर रुआ लोग से वो बात ये बात कि कहे खातिर भोजपुरी कहानी पहला कहानी संग्रह गंगी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के प्रकाशित हुए 1948 में। बाकी किस्सा कहानी तो कोनो नया चीज ना, जहिया लोग जन्म ले ही ना सबसे पहले यही से भेंट हो जाता। अब कौन कहानी रुआ सुनाता नहीं और कौन कहानी रुआ के सुनावल जाता है ऐसे रउ जिंदगी तय हो। दुनिया भर के विद्वान लोग ये बात के मान ले बारे कि जितना दुनिया का संस्कृति बा ओकरा नेव में से अगर कहानियन के खींच लेवल जाए तो पूरा देश भर भरा के लिए जैसन कहानी रुआ सुनी ना वैसन समाज बनेला और जौन कहानी रुआ सुनी ना वही से रावल संस्कृति बनेला। हम एक उदाहरण दे के बात के आगे बढ़ावल जाए भारत के परिकल्पना रुआ बिना रामायण महाभारत के ना कर सके लेकिन एक ही वो रामायण के भारत में कितना रूप बाटे ये ओकरा समाज से पता चल जाए ओकरा भाषा से पता चल जाए। बंगाल के रामायण का रूप बदल जाए तमिलनाडु के रामायण का रूप बदल जाए ये खाली ऐसे ही ना भइल कि राम की शक्ति पूजा निराला जी लिखे चल जाए तो देवी का पूजा करावे लग जाए। हमने के संकट जी का पूजा रामेश्वरम में संकट जी का पूजा भी करा
तो कहानी कौन लोग चुनत है लग दो लोग के बुझात हो कि खाली कहानी कौन बड़का चीज है वैसा साहित्य के कितना महत्व मिलेगा साहित्य वाला तो हमेशा किनारे पड़ल है मेन स्ट्रीम में अगर हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बात कही जाओ तो राजनेता लोग भैले उद्योगपति लोग भैले अर्थशास्त्री लोग भैले वो लोग बड़ा महत्वपूर्ण हो गए साहित्य वाहित्य के बहुत ज्यादा महत्व ना मिले बाकी अगर 2000 साल पहले की कौन बड़का आदमी के याद करें तो की याद आवेल कौन अर्थशास्त्री रुआ के आज से 3000 साल पहले याद आवेल 1200 साल पहले के याद आवेल तो फिर रुआ के कहे वाल्मीकि याद आवेल कहे कालिदास याद आवेल कहे व्यास याद आवेल यहाँ तक की जब रुआ के अपन देश और समाज के बात याद करे के पड़ेगा तो तुलसीदास जी कबीर कहे याद आवेल हमने के मन धरती में बैठल बन जाए गुरु के उपाधि बहुत कम लोग के मिलल बा तो गोरखनाथ जी के पहले ही गुरु कहल जाला तो वाल्मीकि जी कहानी लिखो अब ये कहानी के रवा याद करो तो पता चले कि जो कहानियां हमने के सुने सुनावे नहीं जाए ऐसा ही चलता हो ढंग से कि किस्सा गई वन में सोचा अपना मन तो ये वन में चल गया सोचत रह गई माँ बात इतना हलुक नहीं बात ऐसे ब्योर बात कि जवन किस्सा रहुआ सुननी या सुनावनी अपना बच्चा बच्ची के बतौनी तय करी कि बुढ़ापा में रहुआ संगे रही रहुआ के अपना घर में रखी के अनाथाश्रम में दे और कहानी ये बात के तय करी कि परिवार मिल के साथे साथे रही कि ना ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती मेरा स्टेटस खराब होता है चार कमरे का ही मेरा घर है मुंबई में उसमें एक को बेटी का है एक बेटा का है तुमको कहाँ रखेंगे और वह दूसर का बाटे कि झोपड़ी में रहता थे तीन आदमी पहले ही से रहता अरे वो कहीं अरे आए बनी मुंबई हो अरे तो चल भैया क्या बात है वही में से नीचे बिछा के सुत रहा एक कहानी तय करे भोजपुरी समाज खूब किस्सा गोरी या कहानी सुने सुनाओ में बहुत रस लेवे वाला समाज यहाँ से रुआ खाली स्टेशन में पहुंच जाए तो में चारो कहानी हुई कि टेम्पुआ में बैठनी है बगल वाली हाई बताओ तब यहाँ हुआ बताओ लेकिन एक वो सवाल हम मूल मुद्दा पर आवता नहीं कहें कि भूमिका ढेर गौर हो जाए हम सब में तो सुन लो चाहते हैं कि भारत के पहले के कहानी संग्रह जेहल के संधि जब आवता तो ऐसा लगता कि कांटा बिछल होके आग जरत होके लोग के गोली लग रहा बाटे एकदम बेतहासा बर्बादी के एकदम चारों ओर घटाटोप छेले होके ओकरा में से भोजपुरी कहानी हुआ थी याद करी कि 1948 में वो कहानी संग्रह छपा था 1947 में देश आजाद हो गया जब भारत का जन्म होता तो वो तो बड़ा सुख का विषय होला नया लाली आवती है चारों ओर हर्ष बाटे सबके मिठाई खियावता इस तरह के माहौल में दंडी स्वामी कहानी लिखता ना दफा 302 जन्म में नायक अपना बहू के जहर दे देता अपना नाती के नदई दबा के मुआ वो घरी कहानी लिखता ना आतंकघात बेरोजगारी से त्रस्त होके सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो स्कूल में हमेशा टॉपर रहा कलकत्ता जाता नौकरी करता तनिखा दिन बीमार हो जाता ओकरे के निकाल के छोड़ दिया जाता ताना मिलता और ट्रेन के नीचे आके कट के अपन जान देता 1948 में कहानी काहे लिखा अखल यही बात का लिख है तनी से आगे बढ़े राम पांडे जी के विद्या उपन्यास स्त्री को बातें उनका कहानी है 257 तो वो मौका मिले तो जरूर पढ़ लेते वो कहानी में वो दिखावा था कि भूखा गरीबी इतना बेसी हो गई बात कि पति अपना पत्नी के कहता कुछो करो लेकिन चार दिन भैले हो गई अब जिंदगी दिया मुश्किल बा तो कहता भी क्या कर कहता कि तुहरा पर कई लोग तुहार सुंदर देह देख के लुभाई रहता के कुछ तो करो कि पेट भरे ली अंत में पूजा डाली आ खाना लेके आवता भी आप 5 रुपया कमा के आवता भी कहे कि जीवना व्यक्ति 10 साल से उनका पीछे लगल रहे और उनका चरित्र के ना तोड़ पौधे रहे पति के आज्ञा के पालन करे खातिर जाता रही और जब पेट में भोजन जाता तो उनका पति कहता
ऐसे मेहरारू के सतवंती कहल जाए। ई कहानी भोजपुरी में काहे आवे? अगर इस सवाल के रुआ जवाब खोजब तो पता चले कि भोजपुरिया समाज में जे तनी सा बेहतर हो जाता, विकसित हो जाता, वो सबसे पहले भोजपुरी के छोड़ के कहीं और। हम गुजरात में नहीं ना, 10-12 साल से बने, वहाँ जे तनी सा बेहतर होला तो अपने गांव में घर बनवा के वो फैक्ट्री लगा दे। हमने के यहाँ जे तनी सा बेहतर होला तो दिल्ली चाहे मुंबई में मेरा फ्लैट कर। कहानी संकेत करता है कि लगातार हमनी के समाज का जो बड़का वर्ग बाटे वो जिंदगी जिए खातिर मर रहा है। आज तो कहानी के वो खास चरित्र यो है कि वो कपो सत्ता के पक्ष में और सुख के पक्ष में ना खड़ा। वाल्मीकि के पास पूरा मौका रहे कि जो शिकारी रहे वो आदमी रहे, पक्षी या चिड़ी या सब कुछ मारते लोग रहे, लो में कौन बड़का जुलूम कैले रहे, बल्कि पक्ष में खड़ा होता तो उनको कुछ दे, कुछ पैसा दे दे, कुछ उनके शिकारे दे दे, के पक्ष में खड़ा देना, पक्षी के पक्ष में खड़ा देना। आ साफ देहन तो क्या देना, ही ना कहना कि तू मर जा, ही ना कहना कि तू कबो मुंह मत देखा, ये कहले कि तोरे के कबो प्रतिष्ठा ना मिली। तो पैसा धन से या सत्ता से प्रतिष्ठा ना मिली, कहानी संकेत करे भोजपुरी कहानी संकेत करे कि हमनी के खूब जिंदगी दिए नहीं जाए, खूब उत्सव मनावे नहीं जाए, लेकिन हमनी के समाज का स्थिति अभियो ऐसा नहीं है कि कहानी में से उत्सव निकल गया। जवन कहानी पढ़े एकदम हाल के कहानी बाटे अशोक द्विवेदी को पशुआ, चाहे और लोग का ठेंगा कहानी पढ़ने, हम जितना कहानी पढ़ने एक आध को अखबार छोड़ देंगे, यहाँ तक ये आयावारी का दम अभी चरित्र समाज के चरित्र है। बड़का सवाल बा कि हमनी के कहानी में दर्द इतना कहे, पीड़ा इतना कहे, हमने के कहानी में अंधकार इतना ज्यादा काहे बा, इतना अंधार काहे बाटे कि आजादी के समय जब रोशनी छूटत रहे तब वो अंधार का चित्रण, आज के कहानी जो 10 को लेकर लेके निकले 12 साल 6 को में मेहरारू लोग का चित्रण बा, आज तो दुर्गति के चित्रण बा। एगो कहानी बा कि मजदूरी करके बाप अपना बेटा के चाहता कि पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए, आ अंत में विवश ऐसा हो जाता है कि ओकर रिक्शा ओकर बेटा संभालता पढ़ाई दे ले। हमके तो पहले पेट भरे थे, तो पेट के मजबूरी के लेके कहानी के जो रूप बदल रहा बाटे, हमने के आगे बात कही तो भोजपुरी कहानी कुछ और प्रसंग पर हम चर्चा कर। लेकिन एक बात हम कह जाए आखिर में कि भोजपुरिया समाज के कहानी ओकर ऐसा चित्र देखा रहा है जनक के रुआ झूठ ना कह सके, कहानी झूठ ना बोले, कहानी ऐसा सच बोल दे रहे हैं जमुना से चेहरा आंख मिलाने में बढ़िया बढ़िया लोग के पसीना छूट। कहानी और समाज ऐसे बदले ले, ये न कारण बाटे कहानी का सारा राजनेता लोग कहानी के चक्कर में पड़ल बा कि कहानी ऐसे ना ऐसे होके के चाहिए, हाई कथा ऐसे ना ऐसे होके के चाहिए। लोग के लगे लगा नेता जी लोग इतना कमजोर समझत बा ना, तो लोग जानत है कि जे दिन कहानियां बदल दे थी पूरा समाज का चरित्र बदल जाएगी, देश बदल जाएगा। तो कहानी खाली कहानी ना, कहानी इतिहास ना खाली बनावे ला बल्कि इतिहास बदले ला। इरवा लोग के तय करे के बाद इरवा कैसन कहानी चुनल चाहता नहीं, कैसन समाज बनावल चाहता नहीं, आ कैसन इतिहास लिखल चाहता नहीं, क्योंकि यहाँ युवा लोग सब ढेर लोग बैठल बाटे। तो हम यही कह कि कहानी पढ़ी आवे वाला समय में ऐसा कहानी भी लिखी जमना में कुछ उत्सव और कुछ खुशी के क्षण नहीं, खाली दर्द और दुख से कम नहीं। और प्रमोद भैया के बात के आगे बढ़ावत हम यू कह कि सिर्फ कहानी पढ़ी मत, कहानी सुनी भी, और सब अपने अपने मोबाइल में जल्दी जल्दी यायावरी वाया भोजपुरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले। और सर्वेश भाई अगला सवाल आपसे कि जैसे प्रमोद भैया अभी बात कर रहा था कि जो नया कहानी भी
दुख पीड़ा और कष्ट के कहानी बा और जो हमन के अवरी कथाकारी प्रतियोगिता के नहीं उनमें जो कहानी सब आईली ज्यादातर कहानी में परिवेश जो बा आज भी बहुत हद तक ग्रामीण बा कुछ एक कहानियन में हमन के बोले कि जो बाकी साहित्य में जो धारा चलती आ रही थी ओकरे आसपास या वो तरह के कहानी भी लिखल गए वाली लेकिन अभी भी ज्यादातर कहानी के जो परिवेश बा कौन शहरी मध्य में ना आवता तो आपके का लगता है का कारण का कि अभी भी भोजपुरी में कहानी लिखे वाले शहरी मध्य वर्ग पर केंद्रित कहानी काहे नहीं लिखा था? सबसे पहले यही खातिर धन्यवाद कि भोजपुरी के बगीचा से निकाल के इसी कमरा में नहीं आने मजा होता आपके कमरा जैसे अपनी घर के कमरा में लिखा है। और भैया से यहाँ जो बहुत नियम पड़ा तो इसी से सुन तो रहे कि खाली पंधेरा के चित्र और नया जब दस को कहानी दस को ना आई रहा सब में अंधेरा ही दिखाता। अच्छा हम देहात में रहे नहीं और हमरा जैसे सौभाग्यशाली लड़का देहात में बहुत कम बड़ा था जो उनके पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी सब देहाते में रह गई लोग देहाते में जिया था मजा में तनख्वाह इतनी कम बेसो के तो हम जितना अपना देहात के देखते नहीं भोजपुरिया इलाका के देखते नहीं उतना अनहार नहीं है जितना दिल्ली में बैठ के लिखे वाला लोग का लोग उतना अंधेरा नहीं है। हम बड़े हमारा साथ के लड़का अगर खूब शौक से एडिडास पहन लेता रहा था गाँव में एडिडास के जूता तो लोग कहाँ से देखा था नहीं कि सब बाउरे बा किंग आलू कष्ट में जिया था कष्ट सबसे पहले एक भारत के पूरे के पर और दूसर ये भोजपुरी के दोस्त ना है ये हिंदी के दोस्त आई बा एगो पिछला 30-40 वर्ष में 40 वर्ष के लेखक लोग भैया नाम के उगे नहीं की लगे जा वो लोग लगभग लगभग ऐसे नेथी बना दी है हवा बना दी है कि साहित्य में होला रो जितना दुख लिख सकता रहा वह निमल लिखाई हो अगर तू कुछ बढ़िया उल्लास लिख दे मैंने खुशी लिख दे तो फिर नेगेटिव रो भाई अब मार दिल्ली मुंबई में बैठ के इतना लोर बाबा होता लोग वो लोग लोर हमनी के गाँव में पहुंच जाओ तो सारा सूखा हो रहा है एकरा से बाहर निकले के बोली अगर उरा गांव के गांव में बैठ के नैकी देख सकत तो भोजपुरिया इलाका पर कृपा करी लिखल बंद कर राउ कौन आवश्यकता नहीं है हमर गांव राउ कौन कहानी नहीं कह को बड़ा अजीब छवि बनल बा एकदम। खैर सबसे पहले हम जो कहे के चाहत रही है उरा विषय हमर घुमा देने हम अगर आपन भोजपुरी के बारे में हम अगर अपन परिचय दी भोजपुरी के लेके तो हम पिछला 5 वर्ष में एकदम ईमानदारी से कहत नहीं हम पिछला 5 वर्ष में भोजपुरी के एको को किताब कीन के नईखी पढ़ल है सुने में बहुत पावर लागत हुई लेकिन ये खाली हमार सांच ना हो ये हॉल में बैठल अधिकांश लोग के सांच है पूछ लिया जाते ये सच हो सबको हमने कौन दावा कर लिया जाए मंच पर बैठ के बोलक में कि हई हऊ जौन भी भाई गले क्यों कीन के पढ़े लेना और उसका माने के परी भोजपुरी साहित्य के हत्या भी उहे लोग कैले बा जे हिंदी साहित्य के मारला 30-40 साल पहले खाली एजेंडा लिख लिख के भाई हमर लगे रहो एजेंडा पढ़े खातिर पैसा देके कि हम 300 रुपया दी और हमरा मार जहर उगिलले बानी ओय में कहीं आनंद नहीं जब मोर और मोरनी पर लिखे जाता नहीं तो याद रखे के हुई कि मोर के भगवान बढ़ता बढ़ता पंख देले बड़े सुंदर लागे रहुआ सत्य के नैखी नकाम के खाली विचार थोपे तो पाठक भाग जाए होगा फिर जो हिंदी में भाग गई हालांकि बाद में वेद प्रकाश शर्मा जो ना के भी लुगदी साहित्य कही के खारिज कर दिया गया कि तो घटिया वाला हालांकि ओकर 1-2 करोड़ प्रति बेचा जाए अचानक मुख्य धारा के साहित्य कहल जाता नावे ना जाए से दशा भोजपुरी में रहल
और फल ई है कि हम जो गांव में रहनी हो जाते 50 किलोमीटर के दायरा में कोनो ऐसा दुकान नहीं है जहां मृत्युंजय सर के किताब मिल रहे हमारा लौड़ो ला तो खुशी हो चलो आज कीन ले जबकि हम 4-3 साल से कुन तक दुर्भाग्य बा। और ये हम ईमान के चले कि भोजपुरी के भी और हिंदी के भी मिला लिए सुनियोजित तरीका से पाठक के हत्या कई गई उल्टा उल्टा जहर लिख के। हम जब प्रेमचंद के ईदगाह पढ़ले बनी तो प्रेमचंद के विनोदो पढ़ले बनी जहां वो जिये के मौका देता है जहां वो खिलखिलाए के मौका देता है लेकिन रउरा ऐसा हवा बना देनी कि आज के लड़का भी लिखता। अभी हम देखनी है मिथिलेश मैकर्स का अभी सम्मान मिलल है बढ़िया पैसा कमाता रहे और जाना है को आदर्श आज के लड़का जो जीवन जिए के चाहता रहसन ओकर आदर्श बड़े मिथिलेश समझ के समाज में। और मिथिलेश जैसा लड़का भी अगर जब लिखे पर आवता तो अंधेरा ही लिखता तो ओकरा माने के पड़ी कि कोनो प्रेशर बाज और ओकरा तय नारे लिखवा होता और वो लोग जब 30 बरिस में प्रेशर बनौले बा सत्या भाई बैठा रहे हिंदी के तो सौभाग्य रहे कि सत्या व्यास जैसा लोग आई आ हिंदी में दोबारा पाठक मिले लगल या किताब पे सेलर होके लगल उनके से शुरू भइल है बीच के लोग काका कहले रहे वो तो खैर छोड़ दी। भोजपुरी में भी फिर कोनो सत्या व्यास के खड़ा होके के पड़ी जहां से पढ़ल शुरू हुई आ फिर कोनो मंच पर सर्वेश का ही ना कहे के पड़े कि हम जा रहा हूं ताकि तभी लिखे मिले तो चुनौती दूसरा साइड में बा हमने के देखत दूसरा साइड में लिखल का जाता काल लिखे के चाहिए एक पर बात होके बात एक पर होके कि पाठक हमारा तक केंग जुड़ी सर्वेस कितना बढ़िया लिखे ले कि मायने नहीं कह रखा मायने ही रखा था कि सर्वेस के को आदमी पढ़ता है हम दुनिया का सबसे बढ़िया लेखक हैं या अपने लिख के अपने पढ़ लेते नहीं आ यहाँ का हमारे भैया हैं यहाँ के हाथ में कौन अकेडमी भाई वो अवार्ड दिवा देते नहीं हम अपना मन पर बुला के भैया है कुछ दिवा देते नहीं ऐसे बदली ना ऐसा ना पाठक मिली है ऐसा ना श्रोता मिली है कुछ नहीं है सुधरे के पड़ी अपने देर हो गई देर न क्या भाई तो बढ़िया है मौका थे देर में तो रुका जाए ये मंच पर हमन के संगे लीला भाई वानी लीला भाई के परिचय आप सबसे करवानी और भोजपुरी के मंच पर एक गैर भोजपुरी भाषी आदमी बानी तो नीलाब भाई से सवाल बा कि धीरे धीरे 10 साल हो गए नीलाब भाई प्रकाशन में आपके हमके लगा था 2009-10 से आप शुरू कर दी 15 से 7 साल हो गए धीरे धीरे और पिछले 7 साल में काफी बड़ी संख्या में ई बुक आप छपले बानी भोजपुरी के लेके आपके का प्लान बा और भोजपुरी के प्रकाशन से एक दूरी का है बा नॉट नल पे धन्यवाद। कोशिश तो बहुत थी कि कुछ भोजपुरी में बोल पाऊं और ऐसा नहीं कि भोजपुरी बोलना कोई बहुत मुश्किल काम है लेकिन थोड़ी दिक्कत है और खड़ी बोली हिंदी का ही बोलना रहा है इसलिए माफी चाहता हूं सभी से जो भोजपुरी के लोग यहाँ बैठे हैं। तो सवाल पर आता हूँ सीधा सवाल पर नॉटन को मैंने और मेरी पत्नी ने 2015 में शुरू किया था और हम लोगों ने हिंदी साहित्य से शुरुआत की थी हिंदी साहित्य की किताबों को और पत्रिकाओं को ई बुक में लाने के लिए क्योंकि हिंदी में काम करना या शुरुआत करना हमारे लिए आसान था। और उस दौरान 2014-15 में जब ये आइडिया हम लोगों ने सोचा था तब ई बुक्स के कॉन्सेप्ट इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर थे शायरी कुछ चीजें बिक रही हूँ किंडल कुछ हद तक चलना शुरू हुआ होगा लेकिन सही मायने में कुछ था नहीं। आज के दौर में हिंदी की लगभग 5,000 के आसपास किताबें हैं जिसको हमने डिजिटल रूप में ऑनलाइन किया है जिसको पाठक पढ़ते हैं और अच्छी खासी संख्या है जिसकी बदौलत मैं और मेरी पत्नी जॉब छोड़ करके और सिर्फ इसी काम पर लग सके हैं। भोजपुरी पर आने के लिए यही वजह है कि मैं इस सम्मेलन में आया। मैं वैभव भाई और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि एक गैर भोजपुरी इंसान को बुलाने के लिए और आपका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि आप इसको एक्सपेंड करें दूसरे और भाषाओं में हम लोग अपने आप को बढ़ाएं और ले जाएं और इसीलिए मैं वैभव सर जिसे बहुत दिनों से पीछे पड़ा होता
साथ में मिलके काम करते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, क्योंकि एंट्री दिलाने वाला कोई तो हो रहा है। तो उसने पिछले कुछ वक्त में चीज़ों को बढ़ाया और अच्छी चीज़ें लाई, तो मैंने उनसे कहा कि हम ई बुक प्रकाशन में एक साथ आते हैं, आप ऑडियो में रहिए और हम किताबों को ई बुक डिजिटल रूप में लाएं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही शुरुआत हम इसके बाद से करेंगे कि यहाँ से कई किताबें ले जाएंगे जिसको डिजिटल रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेंगे। अभी तक न कर पाने को छोटी सी विनती कि एक प्लेटफॉर्म एक भाषा को सेट कर लें, देख लें कि उसमें चीज़ें कैसी रहती हैं, लोग पढ़ते हैं, क्या रहता है, और उसके बाद फिर हम और भाषाओं में एक्सपेंड करेंगे। इसमें धीमे धीमे हमने पंजाबी, उर्दू, मराठी में एक्सपेंड किया और भोजपुरी की भी शुरुआत करेंगे। तो एयरमंच और एयरमंच से सामने जो पूरा हॉल था, जितना भोजपुरी में लिखे वाले हम युवा लोग बा, इस सत्र के बाद नीलाम भाई के पकड़े लेवे के बाद और जबले ही हाँ ना कही नहीं बुक छापे के तबले इनके जाए नहीं देखे के बाद बाकी सत्र चलत रही ओकरे खातिर परेशान भेले के कारण नहीं बा। पहले कहा बा कि नीलाम भाई के पकड़ के एकदम और अपन ई बुक पब्लिकेशन करा लेवे के बाद सब नया लेखक लोग ध्यान दी और बाद में हमसे ना कही कि मौका चूक गए। प्रमोद भैया हम आपके तरफ आए, सवाल सर्वेश भाई तो पूरा एक ओर से कहने की विकटता दबाव में तमाम सारा बात कि एक ओर ही कहता नहीं कि लिखले के दबाव बा, तो दूसरे ओर ये भी बाकी बिकले के दबाव बा, और जहां तक बाजार के बात है कि एक जगह पे आके जब बाजार जहां आवेला तो बाजार अपने हिसाब से चीजन के परिवर्तित करा ले रहा है। अगर हिंदी में चाहे भोजपुरी में चाहे कोनो साहित्य में कि अगर दुख दर्द पीड़ा लिखले से पाठक भागत आना तो प्रकाशक वही के कहे छापत है और लेखक वही के कहे लिखत है। लेकिन मामला इतना आसान लिखे जितना लवकट है, कारण इसे को उदाहरण ले, एक तरफ प्यासा जैसा फिल्म भी बने, एक तरफ गोविंदा के फिल्म भी बने। एक समय हमने के जानी जाए कि जौन पढ़ी जा चाहे जौन देखी जा तो में दिमाग न लगावे तो होके एकदम शांत रिलैक्स होके निकल के चल रहे। एगो पक्ष साहित्य का वो होला जवन रोगा के बेचैन कर दे कि ना रोगा के कुछ करे के पड़ी बदले के पड़ी, ना बदल रोगा तो बात ना बनी, आई दोनों साथे साथे चलेगा कोनो अलग नहीं। यो देखे कि एगो कवि हमेशा खाली सरोदे स्मृति चाहे दुखे गावत रही, बसंत पर सबसे ज्यादा कविता तो निराला ही लिख ले बारे, लेकिन दुखी जीवन की कथा रही वो लिख ले बारे। हिंदी या भोजपुरी चाहे हिंदी पट्टी के साथ और एगो समस्या बा, उस समस्या बड़ बाटे आ बहुत ज्यादा, बल्कि कहीं जब मैं सर्वेश भाई के एगो बात से हम सहमत जाने कि प्रायोजित भी बहुत कुछ है। प्रायोजित ये रूप में बा कि प्रायोजित ढंग से केवल महाकवि बन सकता, महापुरस्कार जीत सकता और बहुत सारा किताब का प्रकाशन हो सकता, आ रेणु जैसा कथाकार के भी अपन किताब छपवे खातिर संघर्ष करके पढ़ सकता है, उनका किताब ऐसा जगह से छपल कि अगर एक आध आदमी होकर चर्चा ना के लिए रहते तो रेणु बिल्कुल जाएंगे नहीं, पर तू वो कहानी उपन्यास लिखे वाला है। तो एक मतलब ये नहीं है कि जे बहुत चमकत अटे उस सब के सब सोने हैं। दूसर का बात है कि अभी भी हिंदी पट्टी या खासतौर से भोजपुरी समाज के क्रय शक्ति ऐसा नहीं थे, खरीदारी के क्षमता नहीं थे, चाहे क्षमता बा भी तो दूसरा तरफ लग रहा बाटे कि हमने का कैसे खरीद ले जी, सीधी खरीद ले किताब ना खरीद, तो जब किताब ना खरीद ली तो प्रकाशक है कि हम छापे क्या, बड़ा मुश्किल से प्रकाश होते जी के वो किताब छपल राजकमल से। एक उदाहरण लेके हम बात करी, ये बात खुशी की बात है क्योंकि तीन चार वो किताब हमारे हिंदी में आएगी, हम हिंदी से भोजपुरी में आए बनी, पहले भोजपुरी में हमारे कोई छापे वाला ना रहा, हिंदी में एक आध चीज छप गए तो भोजपुरियों में छपे का प्रकाशन शुरू हुए। तो साहित्य के लिए अगर कई गो किताब आए कितना छपल कितना बिकल आज पता ना चले, जब भोजपुरी वाला किताब आए तो कहे कि 100% नहीं है भोजपुरी, हम कहें कि काहे तो नहीं पढ़ा के छाप नहीं,
सौ गुल तो बेची चाहिए पूरे ठीक बा 150 छाप देते नहीं इसे बेची जिन कर दे तो हम कहने की छाप दे अब क्या कर सकी मैं जब उनकी तबीयत छपल तो पहल का तीन दिन में 200 का ऑर्डर आए तो कहले कि अरे भाई 150 और ही छापे के पड़ी 150 से बात नहीं थे बना तो हम कहने की रहा देख लें अभी 15 या 20 दिन बीतल रहे कि वो कहले कि वो खत्म हो गई अब तो इनके पानी 300 सीधे छाप देता है हम कहने की जरूर देखी यार हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई किताब अगर लोग तक पहुंची तब बिकी कुल मिला के आज तक हिंदी का हमारे सब में किताब जितना निकल सभी को भोजपुरी के खाती ऊपर सारा रिकॉर्ड तोड़ दिले हमारे प्रकाशक हमारा जो कहा चले कि और कहाँ कहाँ पुस्तक मिला बा भोजपुरी इलाका में कहाँ कहाँ होके वाला हाँ ये बात हमके स्वीकार करे में कोनो संकोच नहीं थे कि हम भोजपुरी में जैसे कहा जाला ना कि अभी घुटना के बल चले वाला लड़का तनिषा तलमला गोड़ राखे शुरू कैले होके ओ स्तर पर अभी खड़ा रहा अगर एक बादो लोग तक किताब पहुंचत या लोग पढ़त आ वो कविता कहानी के ना आलोचना किसम किताब बटे जन में तो एक मतलब ये नहीं है कि बदलाव ना हो सके ये जरूर बा कि कैसे पहुंचल जाए कौन चैनल हो भोजपुरी के एक को प्रकाशक नहीं किया हमारे पास अभी जगह लोग साथी हमके जब कहानी के बात करे के रहल तो हम सोचनी है कि कैसे किताबियां बढ़िया बढ़िया मिले तो कोनो ऐसा चैनल नहीं थे कोनो ऐसा प्रकाशन नहीं थे जो ना से कि हम किताब पा सके सबसे बड़ भोजपुरी का जो संस्कृति बाटे कि अपन पैसा से किताब छपवाई पत्रिका निकाली अपने पॉकेट से पैसा लगा के खर्चा लगा के जरा के भेजी और भेजने के बाद लोग पूछे कि किताबियां मिलल कि ना मिलल तो ई कब तक चला ज्यादातर किताब अब राहुल संकेतन बहुत बड़ नाम रहले उनका रचना ना मिली लोग के ये बात के बदलाव कैसे शुरुआत हुई या आवाजी से पता चला था कि अब लोग डिजिटल माध्यम में आ गए एगो साहित्यांगन नामक वेबसाइट पर भोजपुरी का लगभग 800-900 किताब ओकरे में बाड़ी सन जब लोग के अगर लगे कि ना किताब कहीं नहीं मिलत तो कम से कम साहित्यांगन पर जाए या मुफ्त में किताब लेकर पढ़ लेनी चाहिए शुरुआत में रुआ के पढ़ लेनी तो वह बड़का एहसान है आ जब रुआ पढ़ ले तरवा के पता चले कि कौन कितना सांच बा कौन कितना कृत्रिम बा कोना में दम बा कौन खाली दूर बैठ के देखा था कौन हमारा सोझा बैठ के देखा था अब जैसे हम एक उदाहरण ले प्रकाश उदय का रज निहोरा रवा पढ़ी दरा दोहों में मिली लेकिन उत्सव मिली अब आहो आहो में देह टूटल बाटे कि बड़ोपनी कैले दिया लेकिन दोनों के मिलन तो जितना सुंदर उन प्रेम का बात करी जो भी बात करी भोजपुरी का जितना भी उत्सव धर्मिता बाटे वो संगीत आ गीत के चक्कर में चल कविता में चल जाता है आ कहानी खाली दर्द यथार्थ के चक्कर में अपना आप पे सीमित कर ले जाती है वो आ गए उपन्यास के रूप में यानी कहानी के रूप में ले लेकिन एक वो चैनल ऐसा जरूर बने जो लोग तक पहुंचे आ लोग ऐसा कोशिश करे कि वो किताब तक पहुंचे दोनों के बीच में संपर्क तब ना बने हिंदी के साथ देखे तुलना पे उचित नहीं थे लेकिन हम हिंदी में 25-30 साल से बानी और वो आधार पर कहा था कि लोगों के थोड़ा खराब लगी तो अब क्या कर सकते हैं माफी मांग सके हम कहीं ना कि हिंदी के लगे न लोग हैं न शास्त्र जब शास्त्र की जरूरत होला तो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी का मुंह जो है और जब लोग के जरूरत होला तो भोजपुरी अवधि ब्रज के मुंह यही से काम चलावे खातिर नौकरी पावे खातिर सिनेमा बनावे खातिर सब कुछ संपर्क माध्यम खातिर तो हिंदी हमें के बहुत बढ़िया लगे लेकिन जब दिल से पढ़े के बाद और गीत सुने के बाद होला तो वो बता दें कि कौनो संस्कार गीत कौनो गाड़ी गीत कौनो उत्सव के गीत हिंदी में गवात हो कौनो माई बहन को वो गीत गावत होके कि चला ब्याह होता सोहर एगो हिंदी में गाया जाता तो आई बात हम ब्रज से लेकर के राजस्थानी कौनो इलाके में रह जाए ओकरा लोकल में मिले तो हिंदी देश का ना दुनिया का सबसे बड़ संपर्क भाषा भी है लेकिन जैसे साहित्य खातिर जवन आत्मिक जुड़ाव होला जवन बांग्ला भाषी लोग के बांग्ला से बातें जवन मलयालम भाषी वाला लोग के मलयालम से बातें वो हिंदी भाषी वाला लोग के हिंदी से नहीं थे यही से आजो जब पूछा जाए सबसे बड़का लेखक के हुए तो 1936 में मरल प्रेमचंद लिया हमरे यहाँ पीएचडी करे लड़का लोग आए हम लोग क्या पढ़ के आए बोले तो कुछ नाम बताओ तो जी प्रेमचंद के पढ़ने बनी
36 के बाद तो बहुत कुछ लिखा है कुछ पढ़ा, तो हिंदी के साथ जौन संस्कृति बातें धीरे धीरे भोजपुरी में भी आई गया। साथ बात बात पहल का जरूरत तो सब कुछ का पेट बैठे, लेकिन कौन नियमित प्रकाशन के ना भैया से लोग के किताब से बेसी जरूरी चीज दूसर चीज पर ध्यान देला से उनके लगता कि बीच का पुल जोन बा टूटल से तो नहीं ओकरा के जोड़े खातिर युवा लोग खुद लिखे, खूब सारा प्रतियोगिता होके, प्रतियोगिता में प्रायोजित चीज न होके, जे जे सन सांच बातें भाई ठीक है हम लोगों से असहमत नहीं थे, लेकिन रोआ काम हमको बढ़िया लगा था हम करता है बात खत्म हो गई। प्रकाशक जो चीज के छापा करना उस छापे में ईमानदारी रखना, बताओ कि हम 1000 प्रति छपनी थे 1000 छपनी हम लोग के 3% 5% रॉयल्टी दे, हम कहो कि 20% रॉयल्टी देता नहीं, अच्छा के 1,00,000 कॉपी बेच लेंगे। वो नारायण जी के साथ हम काम करते रहे, वो कहले कि वो बड़का प्रकाशक से हमारा लगे चिट्ठी आई है, साथ में ड्राफ्ट आई है, चेक आई है 150 रुपया के, तो करे पूरा भारत के लगभग 100 को यूनिवर्सिटी में उनका किताब लगा दे, तो वो बड़का प्रकाशक के अंत में तो आके लौटा दे, लग रहा है आपके प्रकाशन की स्थिति बड़ी दयनीय और बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, इसी भी मेरे सहयोग की तरफ रख लीजिए और इतना 150 का चेक लेके क्या। अगर हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता व्यक्ति के जेकर रचना हर जगह कोर्स में लगल होके वो इस बात कहे खातिर मजबूर हो सका था तो सामान्य लेखक से वह क्या कल्पना कर सके ना का अपेक्षा कर सके। एकरा के तोड़े वाला जब हम कहिए कि भाई हमने के आलोचन के वो काम का होला कि जो हम सामने प्रमाण मिले जो हम कहानी मिली ओकर व्याख्या कर, अंधेरा एकरा के अच्छा लगे, दुख एकरा के अच्छा लगे, लेकिन हम जितना कहानी पढ़ा तभी अगर ओकरा में उहे लोकता तो ये बात तो सवाल हम उठाए कि काहे दुख ये आलोचक काम करे। रउआ लोग से एक सवाल ये खातिर उठावल गई है कि ये दुख के पीछे का जो उत्सव बाटे, अब भोजपुरी समाज बहुत उत्सव धर्मी समाज है, वो नौबतों में गीत गागा के रोवेला, मतलब मृत्यु के समय भी ओकरा में गीत निकाल सकेला, ये अद्भुत क्षमता बा भोजपुरी समाज में। तो इतना जब उत्सव बा, इतना पानी बा समाज में, इतना तरह के त्योहार बाटे, तो कहानी में संघर्ष में जीवन में काहे नहीं किया, जौन आवता वो मुख्य धारा में काहे नहीं किया, वो मुख्य प्रकाशन में काहे नहीं किया, ये सवाल से हमने को जुझल नहीं तो जरूर आसान निकल सका कहते। प्रकाशन के बहुत जरूरत, प्रकाशन मतलब खाली पुरानका ढंग से मत सोचे कि एक किताब छापे वाला, ये नॉर्मल से लेके यायावरी तक जो आजकल ई संस्करण निकला था किताब के रबर लगे आजकल इतना क्षमता बाटे कि एक ऐप शुरू करके अपन किताब केहू लगे तक पहुँचा सकत है, ऑडियो फॉर्म में ले आए दोनों फॉर्म में ले आए। लेकिन एगो बात हम जरूर कहा, मार्थिस के बहुत सारा किताबन पर फिल्म बन गई, 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड जो उनका सबसे चर्चित किताब रहे, ओकर वो अधिकार ना दे, कहले कि सिनेमा बन जाए तो ओकर ताकत खत्म है, ताकत काहे खत्म हो जाए कि जब रोगा कोनो कहानी के पढ़ी ना तो अपना दिमाग में ओकर एगो चित्र निर्मित करेगा, ओकर एगो कल्पना से ओकर छवि बनाएगा कि होली कैसन हो, यहाँ चाहे मान लें कि गुलाम का देवता पढ़नी तो सुधा चंद्रन कैसन हो, जब सिनेमा देखी ना तो राम के खाली अरुण गोविल मान एक तरफ से बहुत अच्छा हो सकेगा लेकिन सीमित कर दे, जब कहानी वो सुनी ना, कहानी तो सुने सुनाने का चीज, कहानी जब पढ़ी ना तब ओकर छवि कुछ और बनेगा। खाली आजकल जब व्हाट्सएप पर मीडिया में हर चीज के सिनेमाकरण हो गया कि तुरंत वीडियो बनानी या पेश कर देने, वो वीडियो उर्वरक शक्ति के और ऊर्जा के कम कर, लड़का लड़की लोग के सोचे के क्षमता के कम कर रहे हैं, उनका से कहीं कि तभी सोचा लिख तू कहानी, हम 17 साल NCERT में रहे तो हर बार लोग कहे कि किताब छाप के अलगन के देवे के हम करें क्या है, लड़कवन से किताब छाप के ले आई ना हमने को पढ़ल, हर बार लड़कवन के लोग कहेंगे तो लड़कवन के जब कोशिश करनी जा 500-700 स्कूल लेके तो बड़ा मजेदार रिजल्ट है, ओकरे में ऐसा ऐसा मजेदार बात आए कि सब कोई चौंक, जैसे एगो लड़की लिखल 7 साल के लड़की कि कल मेरे जीजा जी की शादी है, भाई सब कोई होला कि दीदी का शादी हुई सब कुछ ही अंत में लड़की सब पूछनी के अभी बताओ जीजा जी का शादी कहे होता, कलश दीदी तो मेरे घर की उसमें क्या नया बात है,
जीजा जी की शादी हो रही है। तो लड़का लड़की जब देखिया अपना नजर से तो नया चीज नहीं करते, आप ओकरा के सदोबा के मंच दे देते। ये प्रयास होके बहुत ज्यादा साहित्य तो हर तरह के चीज के पहले तोड़े ला तोड़े खाती जाना जा रहा तो प्रकाशन के माध्यम से तोड़ी, रचना संहिता के माध्यम से तोड़ी, नया नया ढंग से देखे के नजरिया से तोड़ी, लेकिन तोड़ी। आ जैसे ही टूटी तले नया बिना जो तले बेतना बिना माटी के कोड़ले कहाँ से नया उनको छूटे वाला था। तो हमको लगता कि हिंदी भोजपुरी सब इलाका में बहुत माटी जम गई रहा, हर चलाने की बहुत जरूरत है। तो जितने हर चली उतने उर्वरक पैदा हुई उतने बढ़िया हुई जी। बहुत अगला सवाल सर्वेश भाई आपसे कि आप बहुत दमदारी से ही बात करने की हिंदी में सत्यव्यास आगे बना, शायद भोजपुरी में कोई सत्यव्यास आई तो समय बदली काल बदली, ये बताइए कि आज सत्यव्यास नई वाली हिंदी जो हम फेस बन के उभरल बना चेहरा बन के उभरल बना कि नई वाली हिंदी सत्यव्यास पहला नाम आवे ना और एक पूरा श्रृंखला लेखक और तमाम सारे लोग लिखा था ना भाषा के सीमा पर जाके प्रयोग करके उससे पहले अलग अलग पीढ़ी में आप काफी पहले से जाएं तो बहुत लोग मिले हैं आपके कि ये भाषा के स्तर पर प्रयोग कर लेना। आप सुरेंद्र मोहन पाठक और वेद प्रकाश शर्मा के भी कह लें कि जेके खारिज कर दिया जाला लुगदी साहित्य कह के भोजपुरी में कब पर लुगदी साहित्य भी लिखे होता कहे ना एक बनना है, चाहे आज भी युवा लोग अगर सत्यव्यास से प्रेरित होता तो भोजपुरी में कहे ना लिखे। एगो बात का कौड़ी ध्यान रखे कि भोजपुरी साहित्य पर खाली अगर हमने साहित्य पर बात करी या भोजपुरी संस्कृति के छोड़ दी तो हमने के बात बस बातें रही है। ध्यान से देखें तो जितना तेजी से भोजपुरी साहित्य अपन जगह खो दे रहे हैं उतने तेजी से भोजपुरी संस्कृति भी अपन जगह खो दे रहा है। अगर केहू के यूनिवर्सिटी चौराहा पर उतर के आए होटल तक आवे में टैक्सी लागा था तो वो खुश है कि भोजपुरी माने एक भोजपुरी भाव जो होला अंदर ऊपर और उतना बाद हम कितनों दावा खोली हमारा भोजपुरी साहित्य पसंद आई ना पढ़ पाए ना रहुआ। अब अभी कहे के ना चाहत रही हाँ कहे छोड़िए थे कहे छोड़िए थे लेकिन ये याद रखने के हुई कि हम भोजपुरी एक आम भोजपुरिया जीवन शैली जो रहल बा परंपरा में जो रहल बा वो का जियत आ लेकिन अगर हम वो का नहीं की जियत एक सेकंड होगा कि आप आम भोजपुरिया शैली के जो बात करता नहीं एक गोल में कहीं के ना निकले स्पष्ट कर ठीक ठीक बा मोहन बा जो जीवन शैली जो हमने के बापन बात करी तो हम जेना हमरा हम पैदा लगी हो गया हमरा एकरा खातिर कोनो एथी के गरज नहीं ऐसा हमने के देखले बनी जा भैया कि कार्यक्रम है फोटो मेरी थोड़ी बड़ी लगवा देना। अच्छा मेरी फोटो ही नहीं लगवाए वो फिर क्या देखे हम एकरा से मुक्त भाई बहुत ज्यादा। अगर हम कोई भोजपुरी जीवन शैली के बात करी तो फिर लोग तो बिल्कुल ना कि मेरा कौन ले जाता है लेकिन हाँ जैसे अभी बात हो कर लो कि दस कहानी है जो भेलकर वो देहात में उस सर्वेशो रहे ले जो ठीक ठाक नौकरी कर रहे ठीक ठाक जीवन जी लेता रहे खा पी लिया रहे लेकिन जब बात होता था आज भोजपुरी कहानी के नायक हो ही है बात अच्छा हम कंफ्यूज कर लगे हम कहाँ रनी है उगरा मरने की बात हम रनी है कहाँ पहले हो गया उगरा बाद हम लौटते हैं। हाँ ठीक तो जब रउआ ओकरा से दूर होखे लगे ओकरा बाद अगर रउआ लइका के पढ़ाइयो देनी भोजपुरी हुआ अगर ओकरा के आदत डलाइयो देनी कि ना भोजपुरी बोले के बा तो कुछ एगा बोली कि पापा मम्मी मैथ्स के बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा घर में क्या कराओ या मम्मी मैथ के बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराओ तनि डांट भोजपुरी ना जब ओकर अपन जीवन शैली छूट जाई जब गांव से निकल जाई जब सब भोर फगुआ चैता या जितना भी जान जाएगा हमने का जियल बन जाए या सर्वेश तिवारी जगह जियल है या हमारा जैसा लोग कंप्लीट देहाती बा
जौन के मजा आला फगुआ में, जौन के मजा आला रंग में एथी में, जौन आजो बरखा ना होला तो गोबर फेंकवा देला के ऊपर। ये सुने खातिर कितनी गलियाई हम जानते हैं, सर्वे साथ के डेट में इतना मूर्ख नहीं कि ला जाओ तो हम गोबर भी गीला बरखा ना होला, लेकिन वो जानता रहे कि वो ही बरखा हो ही जाए ना, लेकिन जो हम लोग रोता कि हमारा सारा सूख गई आधा घंटा खातिर हाथ में गाड़ी सुन के, तो हम गोबरों खातिर फेंकवा नहीं, हम जानते नहीं कि बरखा ना हो, ये भोजपुरिया जीवन से। तो जब एकरा से दूरी बन जाए तो फिर भोजपुरी के कहानी कुछ ऐसा लगे कि अरे आपन हो पढ़ लेवे के, जैसे कोनो जमाना में हमने के मनोज तिवारी के फिल्म देख लेनी जा ससुरा बड़ा पैसा वाला जमाना में भोजपुरी में आई चल देख ली, तो दो तीन को फिल्म तो देख लेनी जा, ओकरा बाद दूजा के बाद कि तो सब गोबर बनाई लेना, ओकरा बाद वो आदत छूट गई। तो वो वहां कैसे होखे लागी आदमी, हमारा अंदर भोजपुरी अब बाचल नहीं है, हम दिल्ली में रहते नहीं, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, वो जान तो नहीं कि पापा कौन भाषा बोले रहे, अच्छा है क्या जी है ओकरा एक कहे कि गांव में खटिया पर सूत तुम ना सूत भूया बैठे के कहीं तुम ना बैठे। तो जब वो दूर हो गई अपना माटी से, जब वो गांव में 3 महीना 15 दिन के छुट्टी में जाता पेड़ पर नहीं चढ़ा, जब ओकर मातारी बगीचे में आ जाना, तुम जब वो एक तरह के दबाव में जी तब कुछ कर ली रहो, कितनो किताब बेचवा दी हम प्रेम में भैया के किताब कीन ले दादू के नवल मारी में पढ़ ना जगह रहूगा एगो आम भोजपुरिया नहीं है जिए बना तो नौटंकी हो रही किताब कीन ले पढ़ ना फिर होगा माने के पड़ी। अगर भोजपुरिया जीवन से नहीं छूटी तो भोजपुरिया साहित्य भी छूटी, कितना जबरदस्ती करिए एगो बात तो और भीड़ का बैठल जितना आगे बैठल जितना लोग था उसमें अभी 4-5 को महिला लोग बाचल था, लोग ध्यान से देखी भोजपुरी को ही लोग आचर में बाचल था, निहार ली अपना परंपरा के, निहार ली अपना संस्कृति के, अपना वेशभूषा के, पहराव के, कुछ बात तो वही लोग लगे बा कुर्ता वाला आदमी के 2-3 जगह लोग बता दिया, कहाँ से दावा कर का दावा करे दुर्गा किताब पढ़वा में हमारा आदतें छूट गई का जीवन दिए जब भोजपुरी आदतें छूट गई है, हमारा ना पसंद आई वो कहानी जॉन जॉर्ज नाम जीते नहीं, हम मोह में किताब कीन ले हम कुछ कर ले वो सब सब फर्की वाला पढ़े ना, तो हम 3-4 जना जो इतनी में आजकल पत्रिका निकला था ऑनलाइन पत्रिका, वो 3-4 जना पत्रिका का संपादक लोग से बा हमारे पढ़ के हमारे से कह रहे लोग लिख के दी कुछ लिख के दे दी तो छप जाए कुछ इस सच बा आज के डेट में कुछ लिख के वो लोग दे दी छप जाए वो लोग के नप्पे वो पानवा पूरा दे रहे कुछ दे दे के सबको सही को वर्तनी के 200 के कुछ भाषा के स्तर पर कितने 200 के छप जाए क्या कि वो लोग चाहे कि भाई कोनो तो लिख के 200 ओकरा बाद केहू ना पढ़ेला वो खाली ओकर कटिंग उठावल जाला फेसबुक पर पोस्ट हो जाला कि देखिए हमर छपल बा ओही पर 40 गो टिप्पणी आ जाए लेकिन वो पोर्टलवा पर जहां पत्रिका छपल बा ओही पर 5 गो टिप्पणी ना आई कि सच्चाई है हमने का दावा कुछ कर लिया कहे कि हम भोजपुरिया नहीं जियल छोड़ देना जलक भोजपुरिया नहीं जियल ना कुछ लोग बाल बचा के रख ले बा हमारा हम तनी तर पीछे छूट गए रहनी है जब मृत्युंजय सर मंच पर रहनी है वो मंच पर हमने के वहां के देखने जा एगो गीत गावल वहां पे हम जब बाहर रहनी है तो हमारा सब 4 गो लोग रहल और यूएस भाई वगैरह वगैरह तब कह दे नहीं मृत्युंजय सर जब आए तो वहां से गवा लेवे के ना वो आदमी कलकत्ता रहे कहीं रहे वो भोजपुरिया नहीं जियल ना एक दिन खातिर परिवार के मंच पर आओ तब बिना बजाइले टिकुरी से टिकुरी बदल ले रे नंदी गाले जब इन जी की रही वो वहां का पढ़ ले कहे कि वहां का जिया था लेकिन जे नैखे जिया तो मैं उठा अब पूरा दावा के साथ कहो तब कि ना बोले एमे बहुत लोग पर जकरा के हम अपन किताब गिफ्ट कर दिया 15 दिन के बाद पूछी कि पढ़ लो है टाइम ना मिलल है दूरी को पढ़ लो भोजपुरी के किताबों में भैया कहत नहीं है कि अपना पैसा से छपवाई और उधर से प्रति छाप के दे दिए यहाँ के प्रकाशक से हालांकि हमारा बात भई रहे वो भी ब्राह्मण यहाँ के प्रकाशक तो हम कहे चिड़ा के कहनी कि देख ले भोजपुरी की पहली किताब तुम्हें छापी ऐसी ना जो बिक रही है नहीं तो हम बांटते हैं हमारे यहाँ बांटने की बात है। अब केहू एगो हमारा यहाँ के भोजपुरी के साहित्यकार रहती है नाम का ले रिश्ता में हमारे वहाँ का नाना लागे गाँव के रिश्ता से हमार की बात परत जब आई तो वहां से पढ़ के फोन कर लेना भी हमरा के 10-15 मिनट ले वही वही पर चर्चा भई लास्ट में कहनी सर्वे 22-23 को किताब लिख ले बनी हम लेकिन बड़ा दुख होला जकरा के देले बनी वो में कोनो फोन करके ना बतावे ना कि बाबा कैसे लिख ली हो जा
कारण ही बाकी पढ़ला ही नहीं खैर पूरा प्रेम में ले लगा मानंद नहीं जिये नहीं पढ़ी का वो ऐसी में जी अपना वो अपना कार में जब रहता कार में शीशा उतार के चले के उपरा आते नहीं गए गांव का उतारते नहीं गए ना बड़े तो हमारा प्रेम में किताब की ली तो यह बात पूरे चक्कर में सवाल बोल हो गए अच्छा वो आएगा इसके बाद आगे ना सवाल लेकर भोजपुरिया इलाका से आ गई हम बड़ा शाम तक कहेंगे कि हम वो माटी से आवे नहीं जहाँ बेरोजगार पैदा हो जाए गद्दार पैदा ना हो तो वहीं फड़िया जाए के हुई कुछ ऊपर डॉन जाए के हुई पूछा ना कितना पूछा था कहाँ भाग के जाए बाप सवाल एक बीच में रह गए कि भोजपुरी में पॉपुलर राइटिंग जो नहीं कहा जा रहा हिंदी में अंग्रेजी में पल्प फिक्शन लुब्धि लेखन जो शब्द के आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा लिखत कहे नहीं आओ पहले तो पॉपुलर के पल पल लुगदी तीनों के एक साथ बोल कर रहा मामला घबरा रहे हैं राइटिंग जोने के कहा जा रहा हिंदी में अंग्रेजी में पल फिक्शन लुगदी लेखन जो शब्द के आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा लिखत कहे नहीं आओ पहले तो पॉपुलर के पल पल लुगदी तीनों के एक साथ बोल कर रहा मामला घबरा रहे हैं तीनों के एक साथ बोल रहे हैं तो मामला घबरा आई उम्मीद करते नहीं हम रहुआ तो उम्मीद करते नहीं लेकिन तबो हम मैंने तनी सा दबिए के बोलते नहीं डाउने होके बोलते नहीं उतना दावा से नहीं कर सकते हम कहें कि अब जब हम कहनी है कि यहाँ के प्रकाशक के हम कहनी कि भाई रिकॉर्ड बना रहा है तू ऐसी किताब बहुत पूरी वाली जो छप के बिके भी थी या बिक भी गई है उम्मीद कम बा फिलहाल तो दुखद बा हम कि हम यह कहते नहीं मन से बहुत दुखद बा कि हमारा कहे के पड़ता है लेकिन हम उम्मीद कम करते नहीं फिर भी नया प्रयास कुल होता ईश्वर करस कुछ बदले हमारा समाज कुछ उनमें से लोग जो अपना संस्कृति के अपना या अब जैसे हम आपन बात करी तो बीच के 2 साल हमारा गांव में फगुआ बंद हो गया है लेकिन 2 साल के बाद जब चालू भई तो इनमें तनि भर सर्विसों के जिद के योगदान रहे कि डीजे ना बाजी बाजी तो ढोल के झाल बाजी तो जब गांव में दो चार कोई अमरी करे वाला लड़के हो जाए ना ढोल के बाजी डीजे ना बाजे दे बदली कितना बदली अगर हम दावा नहीं की करत कितना पढ़े वाला लोग आई हम एक दावा नहीं की करत कहें कि अब तो हिंदी वाला लोग रोते था केहू एकदम खुल खुल के खुश होकर नहीं कह सकत कि हम एकदम धूरा उड़ा दी हम लोग तो पूरा गर्दन बच जाई तो एरिया हम के यहाँ भोजपुरी घर दावा से के यहाँ कह दी बाकी भोजपुरी में सत्याभ्यास सही है उम्मीद करी जा दूसर का उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली बात बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है नीला भाई एक प्रकाशक के तौर पर आप यहाँ बैठे हुए हैं अभी सर्वेश भाई जितनी बात बोल रहे थे तो हौसला बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बिल्कुल दिख रहे हैं तभी तो इसी वजह से तो यहाँ आना ही हुआ है अगर अवसर नहीं दिखते तो आते नहीं मेरी पढ़ाई MBA की हुई है तो थोड़ा आदमी जिस टाइप से पढ़ता है जो रहन सहन वही जीवन शैली रहती है वही चीज सीखता है MBA चूंकि मेरी कनाडा से हुई तो वही उस हिसाब से चीजें पढ़ाई वाई समझ में आती है स्टीव जॉब्स से जो एप्पल के फाउंडर थे जब आईपैड निकाल रहे थे तो एक सवाल भी पूछा गया था उनसे कि क्या आपको लगता है कि मोबाइल है लैपटॉप भी है बीच में आईपैड बिकेगा तो स्टीव जॉब्स ने जो जवाब दिया जिसको हम लोग MBA में काफी पसंद करते हैं बहुत पढ़ाया जाता है मार्केटिंग में उसमें उन्होंने कहा कि जनता को लोगों को ये पता ही नहीं उनको क्या चाहिए आप मार्केट क्रिएट कीजिए बाजार की बात करते हैं बाजार क्रिएट किया जाता है बाजार किसी चीज का होता नहीं कई बार होता भी और कई बार नहीं होता जिसको क्रिएट किया जाता है आईपैड की बिक्री अच्छी खासी है आप में से कितने लोगों के घरों में भी आईपैड होंगे या टैबलेट्स होंगे सैमसंग के आईपैड होंगे एप्पल के तो यह टैबलेट का मार्केट ये क्रिएट किया गया ना हमें जरूरत थी ना आपको मोबाइल और लैपटॉप चल रहे थे और लोग खुश थे लेकिन बीच में ये मार्केट क्रिएट किया गया ऐसे ही जब हमने ई बुक लॉन्च किया तो सबने का यही सवाल था और आज भी कई बार सवाल आता है क्या लोग ई बुक वाकई पढ़ते हैं क्या ई बुक कभी पढ़ा जाएगा क्या हो सकता है आपके साथ ये सवाल भोजपुरी में तो खैर सुनने की परंपरा ज्यादा अच्छी रही है ये मैं भी जानता हूँ और लगातार सुनता रहा हूँ
लेकिन ईबुक को लेकर के हिंदी में ये सवाल लगातार हमसे पूछे गए और आज जब 7 साल हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं और बड़ी खुशी के साथ कह सकते हैं कि हाँ हिंदी में किताबें बिकती हैं। और जैसा अभी बात यहाँ हो रही थी और समझ में आ रही थी, प्रकाशक किताबों को कई बार हर जगह नहीं पहुंचा पाते और ये समस्या भोजपुरी और हिंदी में भी बाकायदा है कि प्रकाशक किताबों को हर गली हर मोहल्ले तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इवन इसके बावजूद भी कि पोस्टल सर्विसेज आई, कुरियर सर्विसेज बड़ी, अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, बट अभी भी कई जगहों तक चीज़ों की पहुंच नहीं हो पाती है और प्रिंट की रीचेबिलिटी कई बार कमजोर होती है। और यहीं पर हमको बड़ा फायदा मिलता है कि ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और पढ़ लीजिए। और इसके बाद उस 2 साल जब कोरोना आया, हमारे लिए सेल 10 गुना 15 गुना 20 गुना बढ़ गई क्योंकि लोग पढ़ना चाहते थे और उनको किताबें चाहिए जो प्रिंट नहीं दे पा रहा था। तो सवाल पर मैं वापस लौट के बस यही आता हूँ कि हाँ, ये भोजपुरी में भी मुझे काफी उम्मीद है कि लोग बुक भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा लोक साहित्य है, बड़ा साहित्य जो यहाँ पर है, चीजें मिल पा रही हैं, कुछ चीजें अवेलेबल नहीं है। जैसा कि अभी प्रमोद सर ने भी बताया कि साइट की वेबसाइट है जहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, शायद उसके अलावा भी बहुत कुछ है, लाखों का लिटरेचर है जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें हैं जो हमें लगता है कि यहाँ पर काफी कुछ है, नई चीजें आए, लोगों को नए तरीके से पढ़ाया जाए। पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात मैं एक लाइन में बस खत्म करूंगा अपनी बात को कि शुरुआत किए तो लोगों को फिर लगने लगा कि अरे जब इंडिया में पेमेंट सिस्टम हो सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, तो तुम ये ई बुक हमें फॉरन में क्यों नहीं डिलीवर कर सकते, हम डॉलर में पेमेंट करने को तैयार है। धीमे धीमे आज ये हालत है कि हमारे पास डॉलर से भी अच्छे खासे पेमेंट्स आते हैं, लोग किताबें यही वहां बैठे लोग भी पढ़ रहे होते हैं जिनको प्रिंट में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से चीजें काफी बदली हमारे लिए और नई नई चीजें डेवलप करके आ रही थी। पंजाबी में हमने कुछ 2 साल पहले कोरोना के दौरान शुरू किया, यही सवाल फिर से थे कि पंजाबी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ हाथ में किताबें चाहते हैं, पढ़ना को ई बुक में कौन चाहता है, लेकिन एक अच्छा खासा मार्केट हमारे पास पंजाबी से भी आना शुरू हुआ। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि भोजपुरी में काफी कुछ है ये लोक साहित्य, ऑफकोर्स हिंदी का, हिंदी तो बहुत नई भाषा, उसके पास तो अपने जैसा भी प्रमोशन ने वही बताया कि लोग के लिए हम भोजपुरी अवधि और ब्रज की तरफ जाते हैं और शास्त्र के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तो हिंदी के पास से ज्यादा समृद्ध हमारा लोक साहित्य है, अगर हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको लाएंगे, तो हमें लगता है कि एक प्रकाशक के तौर पर खुशी भी होगी और एक बिजनेसमैन के तौर पर मुझे लगता है कि वो प्रॉफिटेबल भी रहना चाहिए, मुझे काफी यकीन है कि ये रहेगा। शुक्रिया। अगले सत्र के ध्यान में रखकर दर्शक लोगों से सवाल आमंत्रित बा और सर्वेश भाई से अनुरोध बा कि छोटा छोटा जवाब में एक बात खाली बीच में जोड़ा चाहता था जी। निलाप भाई के बात से हम 200% सहमत बने कि कुछ चीज के बनावे के पड़ेगा, जैसे हमने कोई छोट नहीं जाए तो होखे कि दशहरा के दिन पूरा गांव भर के घूम के गोल छुए के बाद जैसे झगड़ा के लिए होगो बहू के जाके गोल धरे के पड़े। अपने से हमने के सवाल पूछल जा कि हमने के घर में बड़का टीवी बा, बड़का सारा सुविधा बाटे, किताब तो कौन देख बात ही नहीं थी, मोबाइल में सब लड़का लड़की आजकल तो 6 महीना साले घर से मोबाइल चलावे लड़का जान जाता ना, सब तमाम तरह का खेल खिलौना वहाँ चला तक है, उमा दूगो ऐप कोनो किताब पर रखोले बनी कि नहीं, का हमने के अपने बच्चा से ना कह सकेंगे कि ठीक हो तो 2 घंटा ही खेल लियो, लेकिन 2 गो कहानी चाहिए, वो कहानी तो के पढ़ के सांस तक हमके बतावे के बाद चाहे सुनावे के बाद कि हाँ हमारी कहानी पढ़नी है। जब चस्का लग जाए ना, जब एक बार रुआ के प्रेम हो जाए, कहानी के सुख मिले लगी, कविता के सुख मिले लगी, तब ओकरे बाद दिक्कत नहीं थी। लेकिन शुरुआत में हमने के हम कहीं ना एगो बात कि आंख से आक्रांत समय में हमने के बने ऐसा लगा था कि दिन रात हमने के शरीर में खाली आंख ही आंख हो गए, जिन्हें देखे उन्हें स्क्रीन लोके हमारे ये बुझाला कि जितने हमने के आंखिया खोल देनी जाए उतने दिमागवा सिकुड़ जाए। यही से पुरानका ध्यानी लोग जब कुछ सोचे तो आंखिया बनी बंद करते हैं, जब तो दिमाग काम करे बंद कर, तो तनी सब पढ़े के तनी सोचे के तनी लिखे के, लेकिन तो एमए पीएचडी में आ जाता लोग ना तो हिंदी लिखे जाता ना भोजपुरी लिखे जाना था, तो वो कितना बर्तन ही सुधारा कि उनके कंटेंट बताए। हमने के वो प्रयास ही करेंगे कि नया से नया लेखन के नया परिवार में
खाली इतना ना 5-10 मिनट लगे रहे वो कहानी पढ़े में, तब दिन भर में एगो कहानी पढ़ नहीं जाता कौन बड़का काम बाटे। हर बच्चा के हम अपना घर में जितना लोग भी आवे रही नियम लगौले बानी कि कुछो लिख तो खाली ही लिख कि आज पूरा दिन हमार बर्बाद हो गए, आज फलनवा से झगड़ा हो गए, आज वो हमारा के बहुत बुरा व्यवहार हमार माय बाबू कैले बान, लेकिन यही के लिख। जब वो लिखे ला तो फिर नया बात पैदा हो, जब वो पढ़ तो जब पढ़े के प्रक्रिया में विचार हुआ दिमाग से टकराई तो नया चीज कुछ पैदा हो, देखो तो खाली मनोरंजन। तो ये बात के हमने के कैसम अपन नयका पीढ़ी के सोझा ले जाएगा। हालांकि सिनेमा में भी बहुत प्रयोग होता, बहुत नया तरह का सिनेमा आ रहा था, सोचे वाला विचारे वाला, लेकिन ज्यादातर हमने के कोशिश ही रहेला कि दिमाग को प्रयोग न करे के पड़े, बस मनोरंजन हो जाए, आनंद मिल जाए। आनंद कौन चीज से मिलते हुए तीन चार गो बातें तो ऐसा हिंसा रहे तो तड़का रहे से ये तरह की चीज रहे। एकरा के बदले खातिर भोजपुरियो समाज के बदले खातिर कोशिश करते खाली ना कि अपने आप को अपने आप कुछ न हमने के लगे के पड़े पुस्तकालय बना के लगे लेखन के भेज भेज के लगे रोज चार बार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जाता थे तो वही में दो कहानी भेज दे और कहीं तो नहीं बार पढ़ के बताओ और ही नहीं तो बर्थडे के गिफ्ट में किताब भेज दे। प्रयास कर लोग के प्रश्न आई तो ज्यादा व्यवहारिक बात हुई ऐसे तो नहीं होंगे सैद्धांतिक पता नहीं कौन कौन बात। स्वागत। हेलो प्रश्न पूछे रहा है मंच पे बहुत अच्छी चर्चा भई और तमाम लोग बड़े ध्यान से सुनत रहे हैं हम लोग सुनत रहे। हमारा प्रश्न सर्वेश भाई से बात कि आपके जो ये मुद्दा पे बातचीत रहा है तो विचार जनी हम लोग के लगल कि थोड़ा स्पष्टता की जरूरत पा जाता है, हम ही लोग समझ के स्तर पे थोड़ा कम बानी, आपके बात नहीं समझ पैली या आप थोड़े ठीक से नहीं समझा पैली हम लोग के कि आप अंधकार के पहले चरण में तो आप अंधकार के ठू बात के लिए कि साहित्य में ढेर सारा अंधकार लिखा जाता है और उनके पॉपुलर होने जरूरत बा उनके लोगों तक पहुंचने जरूरत बा। दूसरा बात में फिर आप कहली कि जीवनचर्या भोजपुरी जीवनचर्या आपने उल्लेख जरूरत बा तब भोजपुरी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुई। और तीसरा बात जो हम समझ ली कि जितना अधिक से अधिक लोग अपन बात साहित्य में देखिए उतने किताब बिकी और हम लोग समृद्ध होकर जाए भोजपुरी साहित्य समृद्ध हुई। तीनों बतिया हमके आपत्तिजनक लगल ये नाते हम एक प्रश्न कल चाहते तीनों समेट के। एक तो साहित्य के आप जो तरीके से देखा था उन पे हम लोग सहमत नहीं बने। साहित्य हमरे रुचि के परिष्कार के चीज बोले और वो केवल मंची कविता और मंची साहित्य के तरह केवल लोकप्रियता हासिल कैले तो चीज नहीं होती चाहिए। जो अगला वक्ता स्पष्ट कहले गोविंदा के फिल्म और प्यासा के अंतर बता के गुरुदत्त के फिल्म के अंतर बता के तो हम लोग के बात कर रख देना। दूसरा आप कहली कि भोजपुरी जीवन शैली अपना जाए ए सी से और गाड़ी से चलने और पैदल चलने भोजपुरी संस्कृति आ जाइए और गाड़ी से चलने भोजपुरी संस्कृति चल जाए ये बड़ा सरलीकरण भाई बात भोजपुरी संस्कृति में। हम लोग सब लोग देखा जला कि ढेर सारे लोग बड़ा अमीर बने और पूरा झारखंड बिहार और वहां ले खूब ठेकेदारी करते रहे बड़ा बड़ा अफसर बने यही एक अफसर बैठ के बड़ा बढ़िया भोजपुरी गाना गई है। तो भोजपुरी संस्कृति के कोनो सामान से तुलना हो गए कि हमारे घरे हई सामान आ जाए तो हमारे भोजपुरी संस्कृति चल जाए ये तो बड़ा खतरा वाली बात है। ये तरह अगर हम लोग भोजपुरी संस्कृति के इतना सरलीकरण कर जाए कि हाई होटलों में बैठ जाए तो भोजपुरी बतिए ना हो पाए यहाँ कुल तैसी लगल बा और सब रोज भोजपुरी बात होता वो एक माइंडसेट होला ना भोजपुरी के एक कल्चर आवेला सामान तो बहुत आए। अच्छा किताब बिकले का है सबसे ज्यादा किताब गीता प्रेस के बिकेला और सब धार्मिक हो गई बा सबके घरों में रामायण महाभारत पढ़ल बा हजारों लाखों प्रतिभा क्यों नहीं पढ़ेला तो किताब बिकले से को वो संस्कृति के वाहक भी हो जा यो कोनो तर्कसंगत बात नहीं है। तो ई तो दोनों किताब बेचल एक अलग व्यवसाय है और संस्कृति वाचिक भी होले और लिखित भी होले पूछत कौन सी बनी पूछत ही बनी पूछत हमेशा पूछले ढूंढ कर नहीं श्रोता रहते हैं
बदौलह भूमिका रही है। हम लोग आपके सुन जाता हमेशा हम लोग जिज्ञासु में ना रह पूछा ली जाता कि आप लोग जो है भोजपुरी के रथ आगे बढ़ाओ जाता और हम लोग चाहत है कि जैसे हमार भोजपुरी जात का हम उनके जात के रूप में ले कि जैसे बंगला जाति है मलयाली जाति है वैसे हमार भोजपुरी जाति तो हमारी भोजपुरी जात के जौन चुनौती उपभोक्ता वाद के वाद कारण आई बा भूमंडलीकरण के कारण आई बा ओकर चुनौती के सामना के चर्चा आप लोग एकदम ब्लैंक कह दी खाली छोड़ दी और एकदम निचली और सतही बात की आई फ्रिज आ गई कूलर आ गई टीवी आ गई मोबाइल आ गई ऐसे हमारे भोजपुरी संस्कृति चल जाई ये बात बड़ा सतही बात हो गई। हम लोग सुनना चाहते हैं आपके भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संस्कृति पे जो उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के जो संकट बात उसे कैसे निपटा जाए पर आप लोग कुछ बात कहीं तब हम लोग ज्यादा समृद्ध हो पहले उन्होंने के मोन पार दी कि वो भोक्तावाद विषय का रहा विषय एक परिचर्चा के विषय कुछ और रहा खैर हमरा से जुड़ल जो दो तीन लोग कहनी है पहला रहा अंधेरा के कि वो हो जरूरी बा कोनो एक वो भाव लगातार भरे के हो ना पड़े पड़े प्रौरा उतना बोलनी यहाँ पर से वो प्रश्न के उत्तर के दी पिछला तीन बरिस में कौन भोजपुरी की किताब की लगे माइक दिया हम वहां पर एको ना किले वाली काहे ना किले वाली कि हम भोजपुरी के पाठक कब रहबे ना के हर जगह हमरा बुझा दो ना कि नहीं हम बताओ थे कि हर जगह कोनो जरूरी नहीं है कि जा आप कहीं बात करी तो ये यहाँ बैठल बा सारा भोजपुरी के पाठक होके खुद अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी जगत में अंग्रेजी लोक कल्चर का क्या स्थिति बा आप बगल वाले साहब से पूछ रही खुद वहां संकट बा अंग्रेजी लोक कल्चर के इंग्लैंड में अंग्रेजी लोक कल्चर के संकटकालीन स्थिति बा होकर वहां फोक कहला नहीं जाता फोक कल्चर वह नहीं होता वहां केवल पॉपुलर कल्चर चलता तो बात एकर है कि एक दृष्टिकोण से हम बात भोजपुरी के बारे में भी रखकर ना कि भाई हमार भोग के और हमारे पॉपुलर के जो संघर्ष बा वो भोजपुरी माहौल चाहिए चार ठू किताब हम फ्री ले तो उसे कौन भोजपुरी भला हो जाए तब तक होगा पूरा आयोजन का खारिज कर रहे हैं आयोजन किताब थोड़न बा हमके लगा था कि अगला सत्र खते खाली समाज के नकारात्मकता के चित्रण के बात है कि काहे तू कहता कि खाली वैसे काम ना चली हम व्यक्तिगत रूप से ही मानतनी कि खाली समाज के नकारात्मकता के चित्रण होई तो पाठक ना मिली है रौरा उठ के कुछ बोल दी हम यही अपना आप के प्रूफ को ले दी कि सचो नकारात्मकता लिखल गई बा आज उठ के 15 मिनट बोला ला वो कहियो नहीं के पढ़ ले ये हमारा का सही प्रूफ कर दोसर बाकी दोसर का यहां सब सारा चीज पर बनी है वैश्वीकरण पर वैश्वीकरण ना विमर्श के मुद्दा रहो ना उस पर मनो प्रश्न आई लो तो सर्वेश तिवारी कहाँ से अपना मन घुसा दे ये हमारा ना बुझाई लो ये हमारा कहे ना बुझाई लो ये हमारी गलती हो हम अपन गलती स्वीकार कर लेते नहीं कि हम विषय के बाहर से कहे ना कुछ कह देते और तीसरा अब कौन प्रश्न ना उठना ले जो हम विषय नहीं है तो हम कहाँ से हो हमारा जो हम यहाँ समझ ली बैठ के कि सर्वेश भाई के कहा ली रहे कि साहित्य में विविधता होके के चाहिए हर
सेक्शन हर भाषा जो हर भाषा में हर समाज के हिस्सा के आवाज ओके साहित्य में कहीं ना कहीं सुनाई देवे के चाहिए, कहीं ना कहीं ओकर कनेक्शन बने के चाहिए, तब जाके वो साहित्य से कनेक्ट हुई जुड़ी। मूल रूप से बात यह रहे एकरे खातिर उदाहरण और बाकी सारा चीज रहे जो कुछ लोगों के सहमति हो सकेला असहमति भी हो सकेला, और अपने देश के लोकतंत्र के खूबी भी यह है कि सहमति और असहमति दोनों के स्पेस मिलेला और भरपूर स्पेस मिलेला। और मंच के बाद लेकिन मंच के वो एक बात होली जोड़ देते हैं बात में कि हमने सब पे हो अपना समय या युद्ध से बंद हो एक समय हमने के बैलगाड़ी पे चलत रही जाए, एक समय खाली धोती या बंडी पहनत रही जाए। अब आज चाहियो कि अगर हमने के सोची जाए कि ना हमने के ट्रेन पर ना चढ़त जाए, जहाज चाहे कार पर ना चढ़त जाए, तो ये संभव नहीं है। लेकिन एकर मतलब इहो नहीं है कि एक होके पकड़ल दूसर का एकदम त्याग कर जब लोग ठीक बात समय के बाद बाध्यता आ गई कमी आ गई रोज का में ना आ सके तो जहाँ पानी होने के कुछ को उत्सव धर्मिता बचो ले रखी। अब हमने के चांद और सूरज देखला इतना दिन होला था कि एकादशी द्वादशी का वाला पते नहीं थी, तो ठीक बात समय के मांग बाटे कि हमने के चले के बाद पीछे लोग ना बिस्तर सके ना तो बस पर चढ़ी जहाज पर चढ़ी लेकिन साथे को वो चांदो देख लें एकादशी मना लें तो वो मना लें बिल्कुल अनुमति आप सबसे चाहब बातचीत और बहस से ही बात आगे बढ़ी और एक बात चाय पे चर्चा होके सर्वेश भाई और आनंद भाई के और कुछ नया बात निकले ताकि अगले सत्र में बात होके आप मंच मधुसूदन भाई के हाथ में। धन्यवाद वैभव जी, खूब जोरदार बहस भइल और हमके लगा था कि जे सुनत आई बात वो सोचत हो कि कुछ देर ले और चलत तब मन के बात पूछ लेती, लेकिन समय का भी एगो सीमा होला। और प्रमोद कुमार तिवारी जी, नीलाब जी और श्रीमुख जी संतुष्टो माना के वो लोग नहीं के तई तो होत रहेला और बाकी कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ तनी जामनी के और ये कार्यक्रम ये सत्र यही समाप्त होता। धन्यवाद।